फ्रेंड्स, दिस इज अमर सर एंड वेलकम टू अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पदखंड का लेसन 4 छपा जो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका MCQ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम नाभादास जी के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, नाभादास जी हो गए तो इनके जन्म के बारे में अच्छा से किन्हीं को पता नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट दिया गया है, ठीक है, तो उसके अनुसार, लेकिन कुछ तो डेट होगा जरूर। ठीक है, तो छपाई जो है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और ये राम के भक्त थे और इनका जन्म 8 अप्रैल, मैंने यहाँ पे दो डेट दे दिया है, ठीक है ना, 8 अप्रैल 1537 या 8 अप्रैल 1570 को दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिन भारत में इनका जन्म हुआ था, लेकिन पक्का इस भी पता किसी को नहीं है, ये अनुमानित है। ठीक है, और दूसरा अनुमानित ये है कि इनका जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो बातें जो भी हो तो समझ लीजिए, ठीक है ना, कि इनका जन्म जो है 1537 या 1570 अनुमानित दक्षिण भारत जयपुर राजस्थान में हुआ था। दक्षिण भारत अलग है, जयपुर राजस्थान अलग है, चलिए ठीक है। आगे इनकी मृत्यु 1600 ईस्वी यानी 1643 1620 कुछ भी मानिए, ठीक है ना, 1600 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम रामदास जी श्रीधर था और इनकी माता का नाम जानकी देवी, ठीक है, माता का नाम जानकी देवी, पिता का नाम रामदास श्रीधर। दीक्षा गुरु जो थे इनके स्वामी अग्रदास, इन्होंने जो कुछ रचनाएं की वो रचनाएं का नाम है भक्तमाल, अष्ठयाम और फिर से अष्ठयाम, दो अष्ठयाम लिखा गया है इनके द्वारा, जो एक ब्रजभाषा गद में है और एक अष्ठयाम जो है वो रामचरितमानस की चौपाई वाली शैली में है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे इसके MCQ में, इनका जो MCQ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला MCQ हो गया आपका कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो नाभादास का जन्म जो है 15 अप्रैल 1937 को हुआ था। नाभादास का जन्म कहाँ हुआ था, तो नाभादास का जन्म जयपुर के निकट ठिकाना धूला स्थान पर हुआ था। सो मैंने एक ही ऑप्शन दिया है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, सपोज डैट मान लीजिए कि आ गया, तो आपके एग्जाम में कुछ आंसर लिखा होगा जिसमें से सबसे ज़्यादा उचित जो ऑप्शन होंगे उसमें टिक लगाना है। नंबर 3, नाभादास का निधन कब हुआ था, तो नाभादास का निधन 1643 ईस्वी में हुआ था। अच्छा ठीक, नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, तो स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास। और भक्तमाल के रचयिता कौन थे, भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो नाभादास हैं। ठीक है, भक्तमाल इनके द्वारा रचित एक रचना है। ठीक है, भक्तमाल की रचना किस भाषा में हुई, तो भक्तमाल की रचना जो है ब्रजभाषा में हुआ। कौन सी रचना, कौन सी भाषा में हुई भक्तमाल की रचना, तो ब्रजभाषा में। नंबर 7, भक्तमाल मतलब सॉरी भक्त चरित्रों की माला क्या है, तो भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल है। ठीक है ना, इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि भक्तमाल क्या है, तो भक्तमाल जो है भक्त चरित्रों की माला है, यानी भक्त चरित्रों की माला क्या है, तो भक्तमाल है। ठीक है ना, सबके हित का वचन कौन कहता है, वचन का मतलब होता बात, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार, तो सबके हित का वचन जो है कबीर जी कहते हैं। जब आप लेसन को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कानी का क्या अर्थ होता है, कानी का अर्थ होता है एक आंख से अंधा होना, एक आंख से का ना होना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जी जो हैं वो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। और स्वामी अग्रदास, ठीक है, किसके किसके अंतर्गत आते थे? तो स्वामी रामानंद का जो शिष्य सब थे उसी के अंदर में ये स्वामी अग्रदास भी आते हैं, लेकिन नाभादास मुख्य रूप से स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है। चलिए चल लेते हैं, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जी जो हैं किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण शाखा। कबीरदास जी, आप अपने माता पिता या जो पुराने जमाने के व्यक्ति हैं उनसे सुने होंगे निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण का मतलब होता है जिसमें मूर्ति पूजा ना होती है, ठीक है ना, जिसमें मूर्ति पूजा ना होती है उसे निर्गुण कहते हैं, और जिसमें मूर्ति पूजा होती है उसमें सगुण कहते हैं। तो कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण शाखा के कवि हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है नाभा दास की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है नाभा दास की रचना है। नाभा दास किस काल के कवि थे? तो नाभा दास जो है भक्ति काल के कवि थे। नाभा दास किस काल के कवि थे? तो नाभा दास भक्ति काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता छपे किन दो कवियों के बारे में है? तो नाभादास जी का जो ये लेसन नंबर 4 छपे है उसमें दो कवि के बारे में बताया गया है, उनकी मतलब वो किस विचार के थे, ठीक है, उनका क्या व्यक्तित्व था, उनका क्या गुण था, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो कबीर और सूरदास, क्या होंगे? कबीर और सूरदास। नाभादास किस काल के कवि, सॉरी, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन थे। नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास सगुणोपासक, सगुणोपासक राम भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है ना। चलिए, राम भगवान को वो पूजते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नाभादास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर? तो हो जाएंगे यहाँ पे सूरदास की कविता। क्या होगा? सूरदास की कविता। चलिए ठीक, मतलब सूरदास की कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं इज्जत से, मान मर्यादा के कारण, ठीक है ना। नाभादास के पिता का नाम क्या था? नाभादास के पिता का नाम रामदास जी श्रीधर। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 में अगर चलते हैं, तो 19 में है, नाभादास के माता का क्या नाम था? तो नाभादास के माता का नाम जानकी देवी था। नाभादास किसके पक्के भक्त थे? तो नाभादास श्री राम के पक्के भक्त थे। नाभादास जन्म से क्या थे? तो नाभादास जन्म से अंधे थे। जन्म से क्या थे? अंधे थे। नाभादास जी का जन्म का नाम क्या है, मतलब जन्म से इनका नाम क्या था? नारायण दास जी था, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन आपके द्वारा ही मिले, ठीक है। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो मैं अच्छे ढंग से काम करता रहूँगा। और आप कहीं भी हो, ठीक है, 12 की पढ़ाई आप मेरे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सिर्फ उस वीडियो को देखिए, आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी, आपको सारा आइडियाज, सारे विकल्प मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।